आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं Sukhoi-30। बहुत कम ऊंचाई पर अब दिखेंगे Su-30 MKI, और वहां पर जो लोग जो सामने जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं उनके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव रहता है कि इतने करीब सामने, और थोड़ी सी वो उस समय उतनी तेज उड़ान भी अपनी नहीं भरते हैं ताकि लोग आराम से देख भी सके उन्हें। क्योंकि वैसे तो अगर बात करें जाए तो ये तो साउंड बैरियर को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। राजपथ पे लगभग 780 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। वरना जो रोज प्रशिक्षण होता है जो वायु सैनिकों का, जो हमारे पायलटों का, तो वो एक ऐसी ऊंचाई पर होता है कई बार आपको लगेगा कि आपने आवाज सुनी, कई बार तो न आहट न देख सकते हैं आप। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, हवा से तेज और आवाज से तेज उड़ने में सक्षम। अब ये करतब दिखाएंगे, क्यों? इसके जो आगे दो डेने हैं ना, वो इसकी शक्ति दिखाते हैं और इसकी एजिलिटी दिखाते हैं। कैसे? ये अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हो, फिर बिल्कुल डेड स्टॉप कर सकता है, उसमें भी सक्षम है ये Su-30 MKI। चहल विल नाउ डेमोंस्ट्रेट द लो स्पीड टर्न कैपेबिलिटी ऑफ दिस मार्वेलस एयरक्राफ्ट। तो कम रफ्तार में आप किस तरीके से अपनी दिशा बदल सकते हैं, उसका उदाहरण, उसका नमूना पेश कर रहा है इस समय ये विमान। ये सभी जो कर्तव्य हैं, ये दरअसल युद्ध भूमि के लिए कला है। ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, ये एक पायलट की वो काबिलियत है कि किस जगह में, जहां पर देखिए आप, जब 1971 की भी लड़ाई हुई थी तो डॉग फाइट्स भी हुए थे, आमने सामने की लड़ाई हुई थी, यानी सामने से दुश्मन का विमान और दूसरे विमान में हमारे पायलट सवार हैं। अब किस तरीके से उससे निकलती हुई जो गोलियां हैं या जो गोले हैं उनसे आप अपने विमान को बचा रहे हैं, आप उस हिसाब से इसे समझिए, उस हिसाब से देखिए कि एक पायलट किस तरीके से अपने प्लेन को मनूवर कर सकता है, अपनी विमान को, और दुश्मन को छकाते हुए उसका अंत कर सकता है। दुश्मन की मिसाइलों को डॉज करने की क्षमता, फ्लेयर्स और चैप्स फायर करके अपने मनूवर करके अपने विमान को बहुत धीरे गति पर आप यू टर्न भी कर सकते हैं Su-30 MKI में। इतना बड़ा विमान और फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी कि आप बहुत मनूवर आसानी से इसका यू टर्न करना, सीधे ऊपर ले जाना, नीचे लेकर आना, ये आप कर सकते हैं, और यही कौशल है इन पायलट्स का। सचिन को देख रहे थे तो 350 किलोमीटर की रफ्तार पर अचानक सामने से आए और अदृश्य हो गए, ओझल हो गए, और अब जब आसमान में ये करतब आपको दिख रहे हैं तो ये बेहद धीमी गति पर होते हैं, लेकिन इतनी चपलता से, इतनी कुशलता से होते हैं कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता है। हमारे छोटे विमानों ने भी दुश्मन के बड़े से बड़े विमानों को धूल चटाई है, और समय समय पर ये अलग अलग युद्ध के इतिहास को देखें तो ये उसका गवाह रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। मिराज 2000, जैगवार और Su-30 MKI, साथ ही AN-32, एक साथ आपको चारों तस्वीरें, चारों विमानों की हम दिखा रहे थे जो कि इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपनी ताकत, अपना दम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी एंजॉय कर रहे हैं इन करतबों को देखकर। सुखता दिख रही है जो Su-30 का अब आखिरी हवाई करतब, अभी भी डूब जाते हैं आपको ऐसी तस्वीरों को देखकर की ऊंचाई, बहुत एक्साइटिंग होता है, बहुत एक्साइटिंग। और अब जो मनूवर दिखाया जाएगा ये तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, और शक्ति के साथ साथ जीत का हर्ष। वर्टिकल चाली यानी तीर के समान ये आकाश में जाएंगे और गोल गोल घूमेंगे। वर्टिकल चाली बिल्कुल जीत के बाद जो जश्न मनाता है पायलट, हर्षोल्लास का जो प्रदर्शन है आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए नभ स्पर्श दीप्तम। नोटिस एयरक्राफ्ट जूमिंग एंड रोलिंग हैप्पीली इनटू द स्काई। ये देखिए, एक लड़ाकू विमान का नृत्य हो सकता है ये, उस हिसाब से देखिए। लेकिन अगर युद्ध भूमि में आपको समझना है तो हमने कई बार इस तरह की चीजों का इस्तेमाल भी किया है, किस तरीके से आप बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं, वहां से एकदम अचानक एक डीप डाइव एक्शन में आते हैं और उसके बाद अपने दुश्मन के इलाकों पर बम बरसाकर वहां से निकल जाते हैं। ये नई नई चीजें होती हैं जिसका आविष्कार हमारे अपने पायलट्स करते हैं, हमारे अपने पायलट्स
युद्ध के समय में ऐसी परिस्थितियों को भांप कर आग कर उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां जब आप एक एयर शो के तौर पर उसे देख रहे हैं तो एक अद्भुत करतब आपको दिखेगा। वर्टिकल चार्ली, जिसे आप मंच को सलामी के तौर पर भी देखते हैं, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति उसके सामने एक सलामी की तरह वर्टिकल चार्ली में ऊपर उठता हुआ वो विमान उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण, और वो मिराज 2000 अभी भी वहां पर खड़ा हुआ है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से विमान को कितनी तेजी से रिपेयर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, फिर एक ऑपरेशन के लिए संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है।